हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। तो बच्चों, हम क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं और आपका चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अभी तक हमने जो पार्ट किया है वो है रेशियो। रेशियो क्या होती है सबको पता है भाई? इसको रेशियो बोलते हैं कोई भी दो यूनिट्स का जब हम रिलेशन निकालते हैं। क्लियर है? अब आता है प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो को हम बोलते हैं हिंदी में अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। और ये इसका सिंबल होता है। अब अगर हम बात करें प्रोपोर्शंस की, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। ये रेशियो का साइन हो गया, ये प्रोपोर्शन का साइन हो गया। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं समानुपात, रेशियो को अनुपात बोलते हैं और प्रोपोर्शन को बोलते हैं समानुपात। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है दोनों में। रेशियो के बारे में आप सबने पढ़ा है, प्रोपोर्शन के बारे में आप अभी जानेंगे। तो प्रोपोर्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देख लिया। अब देखिए, तो प्रोपोर्शन कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो प्रोपोर्शन को आप इस तरह से लिखेंगे। रेशियो नॉर्मली क्या होता है? 3:5 इस तरह से लिख सकते हैं, 2:8 इस तरह से, कुछ भी आप रेशियो को आप लिख सकते हैं। लेकिन प्रोपोर्शन इस फॉर्म में लिखता है। बेसिकली क्या होता है कि दो रेशियोज का समानुपात निकालते हैं हम। क्या यहाँ पे कितनी रेशियो आ गई? एक तो 16:24 एंड 20:30, दो रेशियोज हैं। तो अब बच्चों, अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई क्या ये दोनों प्रोपोर्शन में हैं, ये दोनों रेशियो जो दिख रहे हैं ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे? तो इसको हम कुछ इस तरह से करेंगे। इसको मैं लिख देता हूं 16/24। क्या लिख दिया हमने? 16/24। कैंसिल आउट करेंगे 2 से, 2 8 16, और इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो 12 आ जाएगा। फिर से 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 आ गया और ये 6 आ गया। फिर से 2 से करेंगे तो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। यहाँ पे कितना आया? ये 2/3, दैट इज 2:3, 2:3 आया है। यहाँ पे कितना आया है? 2:3 आया है। चलिए 20:30 को भी हम लिख देते हैं, 20/30। 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया? 2:3। तो देखिए, ये और ये दोनों जो अनुपात हैं, जो रेशियोज हैं, वो इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। देखिए ये सेम है, 2:3, 2:3, तो ये क्या होगी? ये इक्विवेलेंट रेशियो होगी, ये इक्विवेलेंट रेशियो होगी, तुल्य अनुपात जिसको हम बोलते हैं। तो अगर ये तुल्य अनुपात हैं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों रेशियोज प्रोपोर्शन में है, ये दोनों अनुपात क्या है? समानुपात है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं इनको। अब देखिए बच्चों, इस तरह के आपके सामने क्वेश्चंस भी आएंगे। डिफरेंस समझिए, अंतर समझिए, अनुपात और समानुपात में क्या होता है। समानुपात में आपको दो रेशियोज दी होती हैं। अगर वो इक्विवेलेंट हैं, दोनों रेशियोज इक्विवेलेंट हैं, तो वो हो जाती हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या हो जाती हैं? प्रोपोर्शंस बोलते हैं उनको। तो बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इनको आप नोट डाउन करेंगे ताकि हम क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, इनको नोट डाउन करेंगे ताकि क्वेश्चंस कर सकें। बेटा, सबने नोट डाउन कर लिया है? चलिए शाबाश। अब देखिए, इसी पे कुछ सवाल आपको मैं दूंगा। ठीक है, वो सवाल आपको हल करने हैं। देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाता है। बच्चों, क्वेश्चन मेरे साथ आप नोट डाउन करो। बहुत ही अच्छा सा एक क्वेश्चन है।
बच्चों आपका सवाल ये है कि क्या अनुपात 25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम, तो 25 ग्राम रेशो 30 ग्राम एंड 40 किलोग्राम रेशो 48 किलोग्राम प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है, तो इनको चेक करना है। जैसे हमने अभी यहाँ पे इससे पहले जो एग्जांपल किया था, यहाँ पे जैसे हमने ये प्रोपोर्शन चेक किया था कि या दोनों प्रोपोर्शन में है या नहीं है। कैसे पता लगा था कि भाई इन दोनों रेशो को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलतम रूप में निकाला और वो क्या निकले, इक्विवेलेंट रेशो निकले, इसीलिए ये प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करेंगे, यहाँ पे 25 ग्राम और 30 ग्राम का रेशो दिया है और यहाँ पे 40 और 48 ग्राम का किलोग्राम का रेशो दिया है, तो इनको हम क्या करेंगे, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालेंगे और फिर चेक करेंगे क्या ये समानुपात में है या नहीं है। तो नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को और जल्दी से सॉल्व करके जो आपका आंसर आता है अपना आंसर बताएंगे आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। बताइए आंसर बताइए। सर 5। 5 तो अनुपात 6 है। 5 अनुपात 6। ठीक है सर। दूसरे का 5 अनुपात 6, दोनों का आया है 5 अनुपात 6। तो अब मुझे बताइए क्या ये समानुपात में है ये दोनों या नहीं है। हाँ होगा इसका आंसर या ना। सर है। वेरी गुड, ये समानुपात में है। तो फाइनली जो इसका आंसर है, फाइनल आंसर क्या लिखोगे आप? चलिए अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मेरा निकला है 5:6। वेरी गुड। दोनों सेम आए होंगे। यस सर। हाँ तो इसको फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे प्रॉपर, जब लास्ट में आप आंसर लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे वो मैं अभी आपको बता दूंगा। देखिए ये बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा आपको, बैठ जाएं बेटा शाबाश, बहुत अच्छी कोशिश है, मैंने इसीलिए पूछा आपसे ताकि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ध्यान से पढ़े उसको और जो आपका जवाब है वो सवाल में ही छिपा है, जो आप फाइनल आंसर लिखेंगे, फाइनल उत्तर लिखेंगे वो आपके क्वेश्चन में ही छिपा है, इसीलिए ध्यान से देखेंगे कि कैसे इसका फाइनल आंसर हम लिख पाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है कि भाई 25 ग्राम और 30 ग्राम है, इसका अनुपात बताएं, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 25/30 कैंसल आउट कीजिए 5 से, 5 5 25, 5 6 30, तो ये कितना आ गया 5/6 आ गया है। इसको हम 5:6 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपको दिया है 40 किलोग्राम और 48 किलोग्राम, तो 40 किलोग्राम अनुपात 48 किलोग्राम, तो ये किस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये 40/48 लिख दिया हमने, उसके बाद इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको 8 का पहाड़ा आता है, 8 का टेबल आता है, सीधे सीधे कर सकते हैं आप, 8 5 40 8 6 48, तो 5/6 दैट इज 5:6, ये आ गया। 5:6 ये भी है, 5:6 ये भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास 25:30 है, ठीक है, वो किसके बराबर है, 40
अनुपात 48 के बराबर है, है ना। ये दोनों इक्वल है भाई, ये दोनों इक्वल है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो रेशियोज हैं दोनों इक्विवेलेंट है, तुल्य अनुपात है। ये क्या है? तुल्य अनुपात है। तो हमने क्या सीखा है कि जो अनुपात तुल्य अनुपात होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, उनको हम बोल सकते हैं कि वो समानुपात हैं। तो आप यहाँ पे जो फाइनल उत्तर है वो आप लिखेंगे। अतः ये है, ये पूछ रहा था मैं कि फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे। अतः 25 अनुपात 30 और 40 अनुपात 48 समानुपात में है, ये आप फाइनल आंसर लिखेंगे। और अगर ये समानुपात में है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों, देखिए ये हो जाएगा 25 रेशो 30। फिर जो प्रोपोर्शन होता है उसको ऐसे लिखते हैं, और 40 रेशो 48, ये हो गया समानुपात, है ना, ये प्रोपोर्शन हो गया इसका। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, इस तरह से इसको प्रॉपर आंसर लिख सकते हैं, तब आपको जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों को आंसर पता होता है, मैक्सिमम बच्चों को सॉल्व करना था, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत आसान है, आपके हिसाब से बहुत इजी है। अटकते कहाँ हैं, आपको दिक्कत कहाँ होती है, नंबर कहाँ जाते हैं एग्जाम में भाई? कई बार क्या होता है, आप एग्जाम पूरा लिख के आए, सारे सवाल आते हैं आपको, फिर भी नंबर कम आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि भाई आंसर आप ठीक लिख के आए लेकिन सही ढंग से नहीं लिखा, इसीलिए नंबर कटते हैं। तो सबको पता था कि भाई इसका भी 5/6 आएगा, इसका भी 5/6 आएगा, लेकिन उसके आगे किसी बच्चे को नहीं पता कि उसके आगे हम लिखें क्या आंसर में। भाई 5/6 लिख के आओगे तो नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे, ये तो पक्का है। तो इसीलिए सही ढंग से आंसर लिखना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी क्वेश्चन का हल ढूंढना है या फिर उसको हल करना है। तो देखिए आंसर आते हुए भी आपको मार्क्स नहीं आ रहे, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए जो सही तरीका है वो ये है, देखिए फाइनली अगर आपने ये लिख दिया, अतः ये और ये समानुपात में है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर यही स्किप कर दिया तो पता कैसे लगेगा कि भाई ये समानुपात में है या नहीं है, आपने आंसर निकाला या नहीं निकाला। इसीलिए फाइनल आंसर इसको कंप्लीट करना जरूरी है बच्चों, नोट डाउन करो आप सब। बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए यहां से एक चीज और निकल के आती है जो आपको समझना है, इसको सब देखिए ध्यान से, ठीक है। मैं यहां पे इसको अलग से लिख देता हूं, ये हो गया 25 अनुपात 30 प्रोपोर्शन 40 अनुपात 48। तो यहां पे जो हमारे पास इसमें 30 और 40 मध्य पद हैं, क्या है 30 और 40, दे आर मिडल टर्म्स। ये जो दो देख रहे हो आप, ये क्या है, ये मिडल टर्म्स हैं, मध्य पद हैं। इसको हम इंग्लिश में मिडल टर्म्स बोल सकते हैं या फिर मध्य पद हैं ये। और अब है 25 और 48, क्या क्या हो गया, ये 25 और ये 48, ये दोनों क्या हैं, ये चरम पद हैं। 25 और 48 चरम पद हैं, क्यों, क्योंकि ये बाहर की तरफ हैं, और जो ये 30 और 40 हैं ये बीच में हैं, इसीलिए इनको मध्य या फिर मिडल टर्म बोला गया है। ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, चरम पद, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्सट्रीम,
क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम टर्म्स, ये एक्सट्रीम टर्म्स है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चलिए स्टूडेंट्स, एक सवाल और करेंगे अब, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा हमने फर्स्ट पार्ट किया है, सिंपल है, नोट डाउन कीजिए। क्या 30, 45 और 60 समानुपात में है? आर दे इन प्रोपोर्शन, ये आपको बताना है। नोट डाउन कीजिए, जल्दी से चेक करके बताइए। जी आई सी कॉट करना, शाबाश, बताइए बेटा, माइक लेके आंसर बताइए। तीन अनुपात चार, वेरी गुड सर। दूसरे का 3:4, वेरी गुड। तो बताइए क्या ये समानुपात में है? यस सर। वेरी गुड। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे आप सर? 30:40, वेरी गुड। 45 हाँ, बीच में आप ये प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 45:60। इसका मतलब यही हुआ कि ये दोनों समानुपात में हैं, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई डीटीआईसी ऋषिकेश के भी हैंड रेज थे, तो आई नो भाई आंसर आपका यही आया होगा, सभी बच्चों का इजी सवाल था, पिछला भी आपने कर लिया था सॉल्व। तो देखिए मेरा मोटिव यही था कि आपको प्रॉपर आंसर लिखना आ जाए। अब देखिए कि यहाँ पे आपका आंसर यही होगा, क्या होगा, अतः 30:40 और 45:60 समानुपात में है, ठीक है। कैसे पता लगा? क्योंकि हमारे पास दोनों का अनुपात 3:4 आ रहा था, तो दैट इज 30:40 प्रोपोर्शन 45:60। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका। बच्चों अब क्या करना है आपको, अब आपको जो हमने प्रोपोर्शन वाला टॉपिक आज स्टार्ट किया है, अच्छे से उसको रिवाइज करना है, देखना है भाई क्या होता है प्रोपोर्शन, पूरे नोट्स बनाए आपने, ढंग से उसको घर पे एक बार रिवाइज करेंगे, और जो क्वेश्चन है वो भी बिना देखे करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।